सबरजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का रविवार को दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। दलबीर कौर के निधन की खबर सुनते ही रणदीप हुड्डा अंतिम संस्कार करने के लिए तुरंत मुंबई से निकल गए। आपको बता दें कि सबरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल में कई सालों तक बंद रहे। रणदीप हुड्डा ने बायोपिक में उनकी भूमिका को निभाया था। फिल्म के अभिनय से प्रभावित होकर दलबीर ने अपने भाई को रणदीप हुड्डा में देखा और उन्हें ही अपना भाई मान लिया। सूत्रों की मानिए तो दलबीर ने रणदीप को मरने के बाद कंधा देने के लिए कहा था। रणदीप ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। रविवार को जब दलबीर कौर के गुजरने की खबर रणदीप तक पहुंची तो वो तुरंत ही मुंबई से निकल गए। रणदीप ने अपना वादा निभाते हुए न केवल उन्हें कंधा दिया बल्कि उन्हें मुखाग्नि भी दी। आपको बता दें कि दलबीर कौर ने अपने भाई सबरजीत सिंह को पाकिस्तान की जेल से रिहा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उन्होंने भारत सरकार से लेकर पाकिस्तान सरकार को भी इसकी गुहार लगाई और लंबे समय तक इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार दोनों सरकारें मान गई और दलबीर कौर अपनी इस लड़ाई को जीतने वाली ही थी। लेकिन जिस दिन सबरजीत सिंह की रिहाई होने वाली थी उस रात कुछ कैदियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया और इसमें उनकी मौत हो गई थी।